उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिल क्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का अभियान अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 13 दिनों से सुरंग में फंसे ये मजदूर जल्द ही बाहर आ जाएंगे। टनल में फंसे इन 41 मजदूरों को निकालने में कई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे टनल के अंदर फंसे मजदूरों से संपर्क करने की बात हो या फिर उन्हें बाहर निकालने के लिए दूसरा रास्ता बनाने की, कई नई टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। आइए इन टेक्नोलॉजी के बारे में एक एक करके जानते हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी सबसे जरूरी मशीन में से एक ऑगर मशीन। इसी मशीन के इस्तेमाल से सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। पहाड़ में सामने की तरफ खड़ी मिट्टी और पत्थरों की मजबूत दीवार में छेद करने के लिए हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन को लाया गया था। आप यहां इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक लंबी पाइप में घुमावदार पेच जैसी चीजें लगी हैं और उसके आगे छेद करने वाला हैमर रॉड होता है। हैमर रॉड घूमते हुए मिट्टी और पत्थर की दीवार पर लगातार चोट करता है। वहां से निकलने वाली मिट्टी को पेचकस जैसे घुमावदार ड्रिलिंग मशीन पाइप के अंदर ही खींचकर पीछे की तरफ निकालती रहती है। गौर करने वाली बात ये भी है कि उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन को ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अतिरिक्त खुदाई के बिना पाइप इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अलग रास्ता बनाया जा रहा है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों से संपर्क साधने में भी टेक्नोलॉजी का अहम रोल रहा है। कैमरा और सेंसर की मदद से मजदूरों की स्थिति की लगातार जानकारी मिल रही है। हालांकि रेस्क्यू मिशन में किन कैमरों और सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा मजदूरों से बातचीत के लिए फोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सुरंग में फंसे मजदूरों से बात करते दिखे थे। मजदूरों तक जरूरी सामान की सप्लाई में भी टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है। पाइप और ट्रे सिस्टम के जरिए मजदूरों तक जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही है। इसके लिए एक पाइप इंस्टॉल किया गया है। इसमें खाना और दूसरी चीजों को पहुंचाने के लिए ट्रे सिस्टम लगाया गया। इन तमाम तरीकों से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। बता दें कि 12 नवंबर से सिल क्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक वैकल्पिक सुरंग खोदी जा रही है। इस सुरंग के जरिए ही मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाना है। ये नई सुरंग बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल और मुश्किलों से भरी है। इसी बीच तमाम तरह की बाधाएं भी रेस्क्यू का रास्ता रोक रही है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीमें सभी 41 मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगी। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।